नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न भर्तियों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कोई भी जानकारी हो संक्षिप्त में विस्तृत रूप से देने का प्रयास किया जाता है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तीन बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे आपके दोस्तों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित पौर अधीनस्थ सेवा अर्थात पीसीए 2018 मुख्य परीक्षा बदले पैटर्न पर कराकर अभ्यर्थियों को चौंका दिया था। पैटर्न बदलने से कई प्रतियोगियों को पेपर हल करने में दिक्कत झेलनी पड़ी। इसमें सीसेट प्रभावित व आवेदकों की उम्र सीमा के आखिरी प्रभाव पर पहुंच चुके अभ्यर्थियों को दो मौका देने की मांग जोर पकड़ रही है। इसके संबंध में अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में 2020 और 2021 की परीक्षा में अतिरिक्त अवसर देने की मांग की गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि अब शासन पर निर्भर करता है कि शासन इस पर क्या निर्णय लेगी। अगर शासन द्वारा अनुमति दे दी जाती है तो जो 40 प्लस कैंडिडेट हैं उनको अतिरिक्त अवसर मिल जाएगा। आगे जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर है। यल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के विवादों का पटाक्षेप होता नजर नहीं आ रहा है। पेपर लीक प्रकरण में फंसी परीक्षा के 15 में से 13 विषयों का परिणाम अभी तक जारी हो चुका है। हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम अब तक जारी नहीं हो पाया है, अभी तक अधर में फंसा हुआ है। इन दोनों विषयों का पेपर 29 जुलाई 2018 को लीक हुआ था। अभ्यर्थियों का दावा है कि वाराणसी एसटीएफ पेपर लीक प्रकरण की जाँच पूरी हो चुकी है। जाँच पूरी होने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। इसके विरोध में अभ्यर्थी 1 जनवरी से आयोग के गेट पर बेमियादी कर्मिक अनशन शुरू करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कहा गया था कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण करेंगे, परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। लेकिन आयोग द्वारा अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है इन दोनों विषयों के परिणाम के संबंध में, और ऐसे ही हालात रहे तो यह परिणाम 25 जनवरी के पहले आ पाना मुश्किल लग रहा है। फरवरी भी लग सकता है। तो जो भी जानकारी होगी इस भर्ती के संबंध में आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें इसी प्रकार की जानकारी के लिए। आज की तीसरी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ARO 2017 के अंतिम चयन परिणाम को लेकर है। ARO 2017 के अंतिम चयन परिणाम के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। जानकारी के अनुसार जैसे ही ARO 2017 की टाइपिंग समाप्त होगी उसके बाद बिना हिल्ला हवाली के अंतिम चयन परिणाम पर काम शुरू हो जाएगा, और आयोग की मंशा है कि 12 फरवरी 2020 के पहले अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया जाए। तो आप सभी मानकर चलिए कि 10 से 12 फरवरी तक आपका परिणाम घोषित हो जाएगा। तो यह सबसे बड़ी खबर थी। आगे जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।